नारनौल रेवाड़ी रोड नीरपुर के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर डीजल में पानी मिलावट का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप पर काफी ग्राहकों ने डीजल में पानी मिलावट करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही वहां पहुंचे लोगों ने डायल 112 को भी इसकी सूचना दी और खाद्य आपूर्ति विभाग को भी इस बाबत सूचित किया गया। लोगों का कहना है कि इस पेट्रोल पंप से हमने गाड़ी में डीजल डलवाया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही गाड़ी रुक गई, जिसके बाद गाड़ी को टो करके वापस पेट्रोल पंप पर लाना पड़ा। ये तेल लिया था यहाँ से 2000 रुपए का जी, तो सर ये ज्यादा दूर चली नहीं सर, मिसिंग करने लगी और बंद हो गई सर। हाँ सर, वो मालिकों से बात की, वो बोल रहे हैं कि एक बार चेक कर लेते हम, वो सर कोई सही जवाब नहीं दे रहे हमें। सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप में डीजल में पानी की मिलावट की जा रही है, जिसको लेकर वह मौके पर पहुंचे और थाना सदर SHO को इस बारे में सूचित कर दिया गया। ये तेल का मामला है, गाड़ी वाले मेरे पास टेलीफोन करे, मौके पर आया हम सिटी SHO साहब को 112 अपना टेलीफोन पर बता दिया है, मौके पर आया और रोड सप्लाई को भी बता दिया। हाँ तेल में पानी बता रहे हैं, 4-5 गाड़ी वाले खड़े हैं, हमारी गाड़ी खराब होगी तेल में पानी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पेट्रोल पंप पर कार्यरत मैनेजर का कहना है कि उन्होंने अपने डीजल के सैंपल लिए हैं, जिसमें कुछ ऐसा नहीं पाया गया है, मालिक के आने के बाद दोबारा से चेक कराया जाएगा। नारनौल से भलेंद्र यादव, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।